अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप लोगों के? खैरियत से हैं मेरे अज़ीज़ प्यारे भाइयों, हम वतनों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ हाज़िर हुआ है आपका भाई, और इसी हाज़िरी की शुरुआत से मैं आपको क्या कहते हैं कि यूं ना कहो कि बस किस्मत की बात है, मेरी तन्हाई और बदहाली में कुछ तुम्हारा भी तो हाथ है। ये है एक बस छोटा सा शेर और पोइट्री का कीड़ा है, वो अक्सर जागता रहता है, तो मैंने कहा चलो क्यों ना आपसे डिस्कस कर लिया जाए। तो भाई मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। बेहतरीन प्रोडक्ट है होंडा कंपनी की, और उससे पहले मैं सिर्फ आपसे कुछ दरख्वास्तें करना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, और अपने लिंक्स के अंदर जो है ना इस चैनल को और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। वजह उसकी ये है कि आपको एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है तो सदका जारिया समझ के दूसरे को भी अच्छी चीज़ देखने का और ख़रीदने का पूरा पूरा हक है, ठीक है? तो अगर आप समझते हैं कि आप ये चीज़ नहीं ख़रीद पाएंगे, कोई दूसरा ख़रीद पाएगा, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो दिखाएं, और उसको चाहिए कि वो चीज़ ये देखे और एक दफ़ा कंसिडर करे, ठीक है? आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। कर दिया, वेरी गुड। अच्छा जी, गाड़ी की हम अगर बात कर सकें तो एक बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी है। उसको मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ मैं उसको, मैं ये कहता हूँ कि होंडा सिटी है। इसके मॉडल की अगर हम बात कर सकें तो 2017 की ये गाड़ी का मॉडल है, और अगर इसके लॉन्ग रूट टर्म की बात कर लें, पर किलोमीटर इसकी जो एवरेज है वो 17.8 किलोमीटर जो है ना वो चलती है 1 लीटर फ्यूल के अंदर, ठीक है जी? और अगर हम इसके सिटी की बात कर सकें, मतलब थोड़ा बहुत रश होता है और उस रश के अंदर से गाड़ी घुमाते हुए फुल स्पाटर लौंडों की तरह अगर आप निकलें, कहीं पे रुकना पड़ता है, कहीं पे झुकना पड़ता है, तो 14.3 जो है ना KMPL है इसका। और इसके बाद फ्यूल टाइप की अगर इसके अंदर बात कर सके, तो बेसिकली ये स्पेसिफिकेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और इसका मॉडल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 2017 का मॉडल है, ठीक है? पेट्रोल के ऊपर है, ठीक है? इंजन डिस्प्लेसमेंट है, सीसी जो है ना 1497 सीसी का है। नंबर ऑफ सिलेंडर जो है इसके अंदर 4 हैं। मैक्सिमम पावर जो है ना वो 17 है। 3 BHP है, 6600 RPM है जी, ठीक है जी? मैक्सिमम टॉर्क इसकी है जनाबी अली 45 Nm है और 4600 RPM है, ठीक है? सॉरी, 145 Nm है। और सीटिंग कैपेसिटी की अगर बात कर सके तो सब जानते हैं कि 5 सीटर इसकी गाड़ी की कैपेसिटी है। ट्रांसमिशन टाइप इसकी मैनुअल है, ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है ये, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, ठीक है? और बूट स्पेस है इसकी 510 लीटर की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी 40 लीटर की, ठीक है? और बॉडी टाइप इसकी सेडन है जी, और ग्राउंड क्लियरेंस अनलीश 165 Nm है जी, ठीक है? पावर स्टेयरिंग मौजूद है इसके अंदर, विंडो एसी फ्रंट है, कमाल का अच्छी एसी है इसके अंदर, बेहतरीन है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है जी। एयर कंडीशनर मैं पहले बोल चुका हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है। ड्राइवर एयर बैग इसके अंदर मौजूद है, पैसेंजर एयर बैग इसके अंदर मौजूद है, व्हील कवर मौजूद है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का सिस्टम इसके अंदर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है, फॉग लाइट फ्रंट की इसके अंदर इंस्टॉल नहीं की गई, वो आपको अपने अपने पैसों की खर्च करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ये आपको मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। अब चलते हैं फटाफट से, मैं आपको 5 मिनट के अंदर कवर करते हुए इस वीडियो को मैं आपको वो गाड़ी दिखाता हूँ, उसके बाद अगली बात। कैसे हैं भाई? आपने देख लिया गाड़ी, आपने देख ली बेहतरीन कंडीशन की, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल वैसी ही गाड़ी है। एक ये ड्रीम कार है जी, बहुत सारे लोग इसको ख़रीदना चाहेंगे। अगर इसको आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तब भी, अगर आप को वीडियो के अंदर कुछ अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ बुरा लगा है तो कमेंट बॉक्स में दिल की भड़ास ज़रूर निकालिएगा अपने, ठीक
ठीक है, ताकि हम अपने आप की जो है ना एजुकेशन के ऊपर मज़ीद जो है ना वो टाइम दे सकें और उसको अपने आप को एजुकेट कर सकें। ठीक है जी, अब टाइम हुआ है जाने का, और वो क्या कहते हैं उसे कहना अपने लिए दुआ खैर करवाया करे, मेरी सिसकियाँ उसे बर्बाद कर देंगी। ये दूसरा शेर का कीड़ा था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इजाज़त दे दें, अल्लाह हाफिज़।